अगर आपके आलू पराठे फूलते नहीं हैं या उसकी स्टफिंग बाहर आ जाती है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ खास टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करते हुए आप भी बना सकते हैं एकदम फूले फूले स्टफ्ड पंजाबी आलू पराठा। तो मैं हूँ माधवी, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। पराठा बनाते समय स्टफिंग जितनी इम्पॉर्टेंट है तो उसका आटा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें आटा बहुत अच्छे से सेट करना होता है। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, फिर उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन, इसी के साथ आप ऐड कर सकते हैं 2 चम्मच मैदा भी। अजवाइन हम ऐड करेंगे जिससे डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्प होती है और पराठे भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जाएगा देसी घी। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी इसमें ऐड किया है। घी को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो जिसके लिए अभी हम इस तरह से आटा अच्छे से मसल लेंगे जिससे कि घी सब आटे में अच्छे से लग जाए। थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करते हुए हम जो नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा टाइट सा आटा बना लेंगे। पराठे वाला आटा थोड़ा सा स्ट्रेची होना चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा लचीलापन आता है। फिर इसे हम थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छे से गूंद कर रख देंगे। तो यहाँ पर मेरा आटा अभी रेडी है, तो इसे मैंने ढककर 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया है। तब तक हम बना लेते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज आलू उबाल लिए हैं और जिसे मैंने फ्रिज में 2 घंटे रखा था, जिससे कि उसका मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर उसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, बारीक कटी हुई धनिया और हरी मिर्च। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनाजीरा पाउडर इस्तेमाल किया है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जितना ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे मेथी, कसूरी मेथी अगर आप आलू पराठे में ऐड करते तो उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और सबसे एंड में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना बेसन। बेसन से हमारे जो भी स्टफिंग है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता है और जो भी स्टफिंग है वो काफ़ी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारी स्टफिंग अभी रेडी है। तो इसके अभी हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे जिससे कि हमारे पराठे बहुत जल्दी बन जाएंगे, पराठे बनाने में आसानी होगी और सारे पराठे हमारे एक ही ऑलमोस्ट एक ही साइज़ के बनेंगे। तो इस तरह से अभी मैंने सारे गोले हैं वो बना लिए हैं। चलते हैं, भी आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, तो हमें ऐसे ही आटा चाहिए। तो इसे मैंने हल्का सा एक बार गूंथ लिया है। अभी हम इसकी एक छोटी सी कटोरी बना लेंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी 2 पूरियां भी बेल सकते हैं और इसमें बीच में स्टफिंग को स्टफ करके भी आप बना सकते हैं। मैंने इस तरह से इसे अच्छे से एक हाथ से उंगली से दबाते हुए स्टफिंग को अच्छे से फिट कर लिया है। थोड़ा सा आटा स्प्रेड करके हम इसी तरह हाथों से पराठा थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और हल्के हाथों से हमें इस तरह से आटा कॉर्नर से बेलना है। याद रखिए पराठा बनाते टाइम हमें प्रेशर बिल्कुल लगाना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हम बेल सकते हैं, बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आती है और आटा भी अच्छे से सेट है, जिसकी वजह से हमें बेलने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से ये बेला जा सकता है। तो अभी एक साइड पे मैंने तवा ऑलरेडी गरम कर लिया है, तो इस पे भी हम हमारा पराठा सेकने के लिए डाल देंगे। गैस की फ्लेम पहले हाई और बीच में फिर मीडियम करेंगे तो आपका पराठा है वो काफ़ी खस्ता बनेगा। तो पहले हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है।
जिससे कि आपकी जो आउटर लेयरिंग है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। अगर आप पराठा पूरा हाई फ्लेम पे सेकते हैं तो पराठा क्रिस्पी तो नहीं बनता है, बहुत ही जल्दी वो जल जाता है। तो दोनों साइड से हल्का हल्का सेकने के बाद फ्लेम को मीडियम करके ही उसे सेके। अब चाहे मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पराठा भी सेक लिया है। आप देख सकते हैं पराठे का कलर भी काफ़ी अच्छा आया है, स्टफिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं आई है। तो सारे टिप्स को आप याद रख के इसी तरह से आलू पराठे बनाएंगे तो घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। ये गर्मा गर्म पराठे आप कोई भी चटनी, दही या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।